एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ज्वेलरी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने एक मिंत्रा से ली है और दूसरी मैंने ली थी फ्लिपकार्ट, और लिंक मैं दे दूंगी, आप जाकर ले लीजिएगा। बहुत तरह की गोल्डन में ज्वेलरी है, ये देखिए पूरा इसमें गोल्डन का काम है। अगर आप गोल्डन ज्वेलरी के शौकीन हो, आप गोल्डन ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप ये बाय कर सकते हो। पूरा ये गुड़ियाँ हैं जो यहाँ पर लटकी हुई हैं और इसमें बीच बीच में स्टोन लगे हैं, गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए हैं। नीचे पल्स लगे हुए हैं, रेड कलर के, वाइट कलर के पल्स लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगते पहनने पे। मैं आपको वेयर करके दिखा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और इसकी इसके साथ एयरिंग्स मिली थी, टीका नहीं मिला हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी एयरिंग है, ये देखिए इसमें भी स्टोन लगे हुए हैं, नीचे पल्स लगे हुए हैं, सॉरी इसमें पल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पल्स लगे हुए हैं, बीच में स्टोन लगे हुए हैं। और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, 500 से 300 में आपको आराम से मिल जाएगी। ऑफ़र के टाइम में 400 में आपको आराम से मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी लगती है पहनने पर। जिस सेकेंड ज्वेलरी कुछ इस तरह की है जो मैंने myntra.com से ली थी, और ये बहुत ही प्यारी वाली है, अमेजिंग ज्वेलरी है। अगर आप बाय करने में इंटरेस्ट रखते हो, हैवी ज्वेलरी आपको पसंद है, तो अब मैं आपको फुल रिकमेंड करूँगी कि ये ज्वेलरी ज़रूर लीजिएगा। फुल पैसा वसूल है, ये मैंने 1200 रुपये में लिया था, यानी 1200 में। और यहाँ इसमें पूरे में आपको इसमें स्टोन का काम मिलेगा, पूरे में ही स्टोन का काम मिलेगा। आप इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। नीचे इसमें पल्स लगी हुई, यहाँ पर पल्स लगी हुई हैं, ये पल्स लगे हुए हैं पूरे, और ये ग्रीन कलर का पल्स लगा है, ग्रीन या ब्लू जो भी हो, थोड़ा सा मैं कलर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। और इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है। ऊपर पल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर पल्स हैं, और पूरे में इस पर कहीं भी मतलब खाली नहीं है कि गोल्डन है तो ये खाली है, बहुत ही प्यारी है। और इसकी एयरिंग्स भी अपने में माइंड ब्लोइंग है, कुछ इस तरह की इसकी एयरिंग्स है, ये देखिए सेम उसी तरीके की है। इसमें भी आपको कहीं पर खाली देखने को नहीं मिल रहा है, इसी तरीके से पूरा भरा पड़ा है। इसमें स्टोन पल्स जो भी हैं सब अच्छे से लगे हुए हैं, फिक्स है। और मिंत्रा की ज्वेलरी वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, माइंड ब्लोइंग होती है। और साथ ही साथ इसके टीका भी मिला हुआ है, टीका भी सेम उसी तरीके का है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पसंद ना आए, पूरे में स्टोन का काम है, पूरे में कहीं भी खाली नहीं है, पल्स लगे हैं यानी मोतियाँ। तो चलिए अब हम इनको वेयर करके दिखा देते हैं कि वेयर करने पर ये कैसी लगती हैं। तो ये देखिए पहनने के बाद कितनी ही खूबसूरत लग रही है, और इस साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से जा रही है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। और इसे मैंने अपने करवा चौथ में वेयर किया था, अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए सेकंड ज्वेलरी पहनते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नेकलेस पहनना, तो आप नेकलेस भी पहन सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका लुक अच्छा आएगा। और अभी मैं आपको टीका भी लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ज्वेलरी कितनी ही प्यारी लग रही है, ये वाली पहनने के बाद बहुत ही प्यारी ज्वेलरी। अब मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर बाय करिए। तो देखा आपने सारी ज्वेलरी कितनी ही प्यारी है, अपने में ही बहुत खूबसूरत है। अगर आप लेने में इंटरेस्ट रखते हो तो लिंक दे दूंगी, आप जाके लिंक के थ्रू ले लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।